बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से वहां आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। ये घटना दो दिन पहले की है जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया, उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल लड़की को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की ये घटना जहां पर एक लड़की पर चाकू से हमला होता है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल दो दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है जिसमें पीड़ित का दोस्त थी उस पर हमला करता है। आप देख सकते हैं कि दोनों साथ में चलते हुए दिखाई देते हैं, अचानक से दोस्त हमला करता है, मिलने के बहाने बुलाता है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इसमें लड़के के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि दो दिन पहले की ये घटना है, अब फुटेज सामने आई है? देखिए, बड़ी घटना है क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार ये महिलाओं के साथ हमला होने की ये दूसरी और तीसरी घटना सामने आई है, क्योंकि सुखिंदर नाम का एक आरोपी है। ये युवक जीयू में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ इसकी दोस्ती थी, लेकिन अचानक जब युवती ने किसी वजह से दोस्ती को तोड़ दिया था तो उसके बाद सुखिंदर से झांसी में लेकर एक जगह पर बुलाया था जहां पर ये पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है, और उसके बाद उसने उस पर अचानक हमला किया है। क्योंकि जब कॉर्नर पर ये दोनों जाते हैं तो उसके बाद दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ, और उसके बाद आरोपी ने जो चाकू लेकर आया था, पहले से इंटेंशन थी कि वो हमला करेगा, उसने ताबड़तोड़ चाकू मारे हैं और उसके बाद फरार हो गया है। जो आनंद फानंद में स्थानीय लोग थे, क्योंकि जब लड़की ने बचाने की वहां पर गुजारिश की तो कोई बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि दिन दहाड़े सोमवार की यह घटना है, लोग बचा सकते थे इस हमले को, इस गली में कोई नहीं आया। जिसके बाद युवती को कुछ लोग अस्पताल लेकर गए जहां पर उसका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत में। तो पुलिस है, इसने हालांकि मामला दर्ज किया है। सुखिंदर जो है मौके से फरार हो गया था। अब ये देखना होगा कि किस तरह के जब बयान देने की स्थिति में आएगी तो उसके बाद एफआईआर को पुलिस ने दर्ज किया है और अब पूरे आरोपी जो है पूरे मामले का सुखिंदर उसको तलाश किया जा रहा है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस के हाथ अहम कड़ी लगी है। हादसे के तीसरे दिन अंजलि की दोस्त निधि सामने आई। जो इकलौती चश्मदीद है जो अंजलि के साथ उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त हादसा हुआ, फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो, उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ, उन्होंने उसको नहीं निकाला। लेकिन अब निधि पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उसने अंजलि को स्कूटर चलाने से रोका था तो हादसे के बाद फरार क्यों हो गई? उससे बहुत डर गई थी, मैं उस हादसे से बहुत डर गई थी। निधि ने दावा किया कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को कई किलोमीटर घसीटा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ डर ही वो वजह थी जिसकी वजह से अंजलि पुलिस के उसे खोज निकालने तक चुप रही। कंझावला केस में आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर धारा 279, 304, 304A और 120B लगाई है। IPC की धारा 379 रैश ड्राइविंग यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर लगाई जाती है। अपराध साबित होने पर दोषी को अधिकतम 6 महीने की सजा और ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों सजा एक साथ का प्रावधान है। IPC की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए लगाई जाती है।